करीब 2 हफ्ते तक कोरोना से लड़कर व कोरोना से जंग जीतकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस काम पर लौटे हैं। पहले ही दिन सचिवालय में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 को लेकर अधिकारियों से बैठक की और सर्दी के मौसम में कोरोना के मामले ज्यादा ना बढ़ें, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में अब पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में भी यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन नीचे आ रहा है, साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कोविड के मामले को लेकर के आज हमारी बैठक थी सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ थी, और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि पिछले दिनों में लगातार कोविड का नंबर जो है पूरे देश भर में कम हुआ है। जहां एक बार 90,000 से ऊपर चला गया था पूरे देश भर में, वहां 45,000 तक आ गया, 50% का उसमें जो है वो डिक्रीज आया है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमारा नंबर जो है धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, और पर्टिकुलरली जो हमारा एक्टिव केस है, एक्टिव केस हमारा 2400 अभी तक आज की तारीख में हमारे हिमाचल प्रदेश में। और वो एक संदेश देता है कि धीरे धीरे कोविड को कंट्रोल करने के लिए पूरा देश भी कामयाब हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी कामयाब होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ इश्यूज इससे संबंधित आ रहे थे क्योंकि सर्दी का मौसम अब आ रहा है, और सर्दी के मौसम में गर्म खाना पहुंचाना, वहाँ पर ठीक प्रकार से उनको रहने की व्यवस्था हो उस बात को सुनिश्चित करना, और उसके साथ साथ में जो हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सारा जो इस लगन के साथ काम कर रहे हैं, उनका हौसला हम कैसे और बढ़ाएं और ज़्यादा बेहतर ढंग से वो कैसे काम करें, उन सारी चीज़ों को लेकर के सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पर उनको विजिट करें, उनको एग्जामिन करें, उनको वहाँ पर देखें, उन सारी चीज़ों को लेकर के होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन होम आइसोलेशन में हमने प्रेफर किया है अपने आप, तो उनको भी मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप हो कि ऐसा नहीं हो कि होम आइसोलेशन में वो इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाए और जब तक हॉस्पिटल पहुँचाए तो तब तक ये कठिनाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमने आज एक डिस्कशन किया है। सब डिप्टी कमिश्नर ने सुझाव दिए हैं, सारे मेडिकल कॉलेज के जो जो प्रिंसिपल्स और उसके साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो भी उपस्थित थे, तो सभी CMO भी उपस्थित थे और हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे साथ उपस्थित थे। तो सारी डिटेल में डिस्कशन की है, आने वाले समय में जो चीज़ें हमारे ध्यान में आ रही है उन चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश सुशांत की पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में इससे पहले भी कई पार्टियां आई और चली गईं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में तीसरे दल का कोई जनाधार नहीं रहा है, ना ही आगे होगा। हिमाचल के इतिहास में ये नई पार्टी बनाने का जो अभी तक मैं कह सकता हूँ उसमें इतिहास सफल नहीं रहा है, उसमें सफलता नहीं मिली है, और ऐसी परिस्थिति में मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, अपनी पार्टी अपना विचार रखने का सबको अधिकार है, वो जिन बातों को लेकर के बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरह से लोग जानते हैं, बहुत करीबी से लोगों ने उनको जाना है पहचाना है, और ऐसी दृष्टि में किस उत्साह के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल के इतिहास में तीसरे दल को कभी भी स्वीकार्यता मिली नहीं, बना तो वो चला गया। बाकी डॉक्टर राजन सुशांत के बारे में प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। हिमाचल प्रदेश में गांजे को लेकर उद्धव ठाकरे के ट्वीट पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे संदर्भ में क्योंकि मैं पूरी डिटेल उसमें अभी हासिल नहीं कर पाया है और उद्धव ठाकरे ने किस संदर्भ में बोला है, लेकिन हिमाचल उनको मालूम होना चाहिए ये देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में छोटा राज्य होने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्र में कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल के संदर्भ में इस प्रकार की अगर टिप्पणी अगर उन्होंने की है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं। थैंक यू। PI TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।